सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग यूट्यूब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जिन लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि WhatsApp में एक नया फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ गया है, जिससे आप जो है WhatsApp की चैट को फिंगरप्रिंट से लॉक कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप WhatsApp के जो लॉक है उसको फिंगरप्रिंट से सेंसर लगा के उसको लॉक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ आपको क्या करना है। दोस्तों, उसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, बस आपको गूगल प्ले स्टोर पर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको WhatsApp टाइप करना है और आपको WhatsApp का जो आपका जो अपडेट है इसको अपडेट कर लेना है, WhatsApp मैसेंजर को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपका WhatsApp ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन के अंदर। तो सेटिंग्स वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जब आओगे दोस्तों, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको क्लिक करना है अकाउंट्स वाले ऑप्शन के अंदर, और अकाउंट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है प्राइवेसी वाला ऑप्शन। उस वाले ऑप्शन पे जो है दोस्तों आपको एक बार क्लिक करना है। प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, लास्ट सीन का, प्रोफाइल फोटो का, अबाउट का, और नीचे नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन जो बोल रहा है फिंगरप्रिंट लॉक। तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन को आप जो है अनेबल कर दीजिए आपके WhatsApp के अंदर, और अनेबल जब आप करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा टच द फिंगरप्रिंट सेंसर। तो यहाँ पे आपको एक बार टच करने के बाद यहाँ पे जो है इसको अनेबल करना है। तो यहाँ पे अनेबल जब आप कर देंगे तो अनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन बोलेगा ये। पहला ऑप्शन बोलेगा इमीजिएटली, दूसरा है आफ्टर 1 मिनट, तीसरा ऑप्शन है आफ्टर 30 मिनट्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप WhatsApp यूज़ कर रहे हैं और WhatsApp यूज़ करने के बाद अगर मान लीजिए अगर आप उसे बैक कर दिए, होम स्क्रीन पर आप आ जाते हैं और आप दूसरे एप्लीकेशन यूज़ करने लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल Instagram यूज़ करने लग जाते हैं या Facebook यूज़ करने लग जाते हैं, तो जब आप दोबारा से WhatsApp ओपन करेंगे तो ये इसका फिंगरप्रिंट आएगा कि नहीं आएगा। तो आप इसको इमीजिएटली कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे 1 मिनट नहीं करना, आपको 30 मिनट भी नहीं करना, आपको इमीजिएटली करना है, जिससे क्या होगा जब जब भी आप कोई दूसरा एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो साथ के साथ में ही WhatsApp जो है लॉक हो जाएगा। अब आपको इतनी सी सेटिंग्स करनी है, बस इतनी सेटिंग करने के बाद अब यहाँ पे WhatsApp पे आप बैक आ जाइए और आपका जो है WhatsApp पे फिंगरप्रिंट लॉक जो है अनेबल हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर आप दूसरे एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दोस्तों Instagram ओपन चलाते हैं, Instagram चलाने के बाद आप Instagram के अलावा Facebook चलाते हैं या कोई दूसरा YouTube चलाते हैं, और फिर बाद में अगर आप WhatsApp ओपन करेंगे तो ये जो है आपसे फिंगरप्रिंट लॉक मांगेगा, और यहाँ पे जब आप इसके फिंगर दे देंगे तो ये जो है ऑन हो जाएगा। इसी तरह से आप दोबारा से बैक करेंगे और दोबारा से WhatsApp ओपन करेंगे तो जो है इस पे हर बार जितनी भी बार आप WhatsApp ओपन करेंगे तो ये हर बार जो है आपसे फिंगरप्रिंट लॉक मांगेगा। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी भी चीज़ में समस्या हो तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलते हैं।